अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसाहूणं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। हम लोग लेस्या की चर्चा कर रहे हैं, बिना कोई समय खोए सीधे सीधे 5 मिनट के अंदर अपन कल की चर्चा रिपीट करेंगे। ओके, मैं पूछ रहा हूँ, आप सब एक साथ बोल सकते हैं, है ना? लेस्या की परिभाषा क्या है? कषाय से अनुरंजित योग। बराबर, कषाय का मतलब क्या है यहाँ पर? मिथ्यात् अवृत्ति प्रमाद कषाय। योग का क्या मतलब है? मन वचन काय। लेस्या की जरूरत क्यों पड़ी? हैंड्स अप करें। हाँ, लेस्या की जरूरत क्यों पड़ी? लेस्या की जरूरत क्यों पड़ी? बोलो बेटे। चलिए, एक उत्तर है, लेकिन मैंने समय सार जी की छलम ना घेतब्बम ये कह करके कुछ कहा था, याद आया किसी को? आत्मा अतीन्द्रिय है, केवल ज्ञानगम है, आत्मानुभूति के बिना द्वादशांग प्रारंभ नहीं होगा, सम्यक दर्शन प्रारंभ नहीं होगा, मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा, और आत्मा 5 इंद्रिय का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, 5 इंद्रियों मन का विषय नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञानगम है, केवल ज्ञानगम है, और हमारे पास तो मन वचन काय है। बरोबर, हमारे पास तो मन वचन काय है। तो जिन वाणी में इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय बताना है। क्या बोला? इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय बताना है। क्रोध अतीन्द्रिय है भाई साहब, मान अतीन्द्रिय है, माया अतीन्द्रिय है, लोभ अतीन्द्रिय है, सम्यक दर्शन अतीन्द्रिय है, 14 गुण स्थान अतीन्द्रिय है। क्या कह रहा हूं, समझ में आया? 14 गुण स्थान अतीन्द्रिय है, केवल ज्ञान तो फिर सवाल ही नहीं। आप क्या समझ रहे? मति ज्ञान का वर्णन भी अतीन्द्रिय है। इसके लिए मैंने एक बात कही थी, लेस्या के माध्यम से अनुमान लगाने की कोशिश की गई है। क्या बोला था मैंने? लेस्या के माध्यम से अनुमान लगाने की कोशिश की गई है, और वो कोशिश उसके उल्लंघन के लिए, माने स्पष्टीकरण के लिए मैंने आलिंगन की बात बताई थी। आत्मा अनुमेय मात्र नहीं है, आत्मा अनुमेय मात्र नहीं है। एक कदम आगे जाकर मैंने कहा था, स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष भी है। इस बात को समझा देता हूं फिर से, थोड़ा क्लिष्ट हो गया ना थोड़ा सा, तो समझाता हूं। शाम को एकदम बोझ नहीं पड़े थे, थोड़ा लंबा दृष्टांत करता हूं, मैं जानता हूं एकदम बोझ ना हो।
एक बच्चे की माँ है और उस बच्चे के पेट में कीड़े पड़ रहे हैं, तो माँ उसे मिठाइयाँ नहीं देती है, और उसी घर में मौसी आई हुई है, उसी बच्चे की मौसी आई हुई है। मौसी को वो 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा बड़ा प्यारा लगता है। अब सारे घर में मिठाइयाँ बन रही हैं, सब खा रहे हैं, उसके पेट में कीड़े हैं तो उसे नहीं मिलेगी मिठाई, और मौसी तो कभी कभी आती है तो खीर तो बनेगी, रसगुल्ले तो बनेंगे, मिठाई तो बढ़िया बनेगी। लेकिन वो माँ उसे देखते सी घूरती है, चला जाए यहाँ से, मांग मत लेना, और हम मिठाई खाएं तो देखना मत, और मौसी की तरफ ताका तो समझना, मैंने ऐसे डांट रही है। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, 8-10 साल के, सब रसगुल्ला खा रहे, अब वो उसे मिल नहीं रहा, समझ गए? तो बच्चा ऐसे देख रहा टुकुर टुकुर, तो मम्मी ने ऐसे फिर आंख दिखाई, भाग यहां से, 1000 बार समझा दिया तेरे पेट में कीड़े पड़े हैं, अभी मर जाएगा तू। बच्चे बेचारा रोता 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 बिल्कुल बिलखता हुआ चला गया, क्या करे बेचारा। मौसी को उस पर बड़ी दया आ रही, बड़ी दया, इतना सा बच्चा बेचारा, बच्चे ही तो है। और आखिरकार मम्मी मंदिर गई और उसने बोला, चल दिया 4 रसगुल्ला खा। कितने खिलाए उसने? बच्चा खुश, आई लव यू मौसी। काश मेरी मम्मी की जगह तुम होती। मम्मी उसे धमाधम दे रही थी और रो रहा था और ये प्यार कर रही है। मैं आपसे पूछूं, इन दोनों में प्यार करने वाला कौन है? अब इंद्रिय ज्ञान से और लेसियाओं से तो अनुमान मात्र है, ऊपर से देखने वाला तो यही कहेगा, मम्मी कितनी क्रूर है, इतना सा तो प्यारा है। हमारी बुंदेलखंड की भाषा में कहो तो एक ठौआ ही तो मोड़ा है। एक ही तो बच्चा है इकलौता, और उसको भी बेचारे को मार मार के सुता रही हो जैसे कोई दुश्मन माँ हो। लेकिन आंखों से कान से जो कुछ आप देख रहे हो ये लेसियाँ हैं, अनुमान लगाया है आपने, ये अनुमान सच्चा हो जरूरी नहीं है। इसलिए हमने कहा है लेसियाएं, इनके माध्यम से किए गए कथन और 5 इंद्रियों से आने वाले अनुभव का विषय अनुमेय मात्र नहीं है, वो स्वयं संवेदन से भी प्रत्यक्ष होगा। मैं इस कहानी को थोड़ा दर्दनाक कर दूं, सब लोग सोच रहे थे माँ बहुत खराब है, मार रही है, खाने को नहीं दे रही है, लेकिन मौसी ने 4 रसगुल्ले दिए और बच्चा ऑफ हो गया। अब बोलो बताओ, प्यार कौन कर रही थी? धमाधम मार रही थी वो प्यार कर रही थी, या जिसने प्यार से 4 रसगुल्ले खिलाए वो प्यार कर रही थी? बेटे आगे आ जा, हर्ष का बेटा है, कौन का बेटा है? इधर आ जा, बहुत प्रसन्न होकर सुन रहा है 4 रसगुल्ले की चर्चा। सबसे आगे आ जा फ्रंट में, तू तो मेरे पास रह जा 10 दिन, इधर आ। हमी भाभी शास्त्री, समझ में आया कि नहीं? 4 रसगुल्ला तो प्यार कौन ने किया? पक्का सोच लेना, मम्मी जब ऐसे मारेगी तो प्यार करेगी कि प्यार करेगी? खैर अब अपन थोड़े लाइट हो गए, डाइल्यूट हो गए। मैं देख रहा था आप भारी हो, मैं भी भारी हो गया था आपको देख के, अब हम भी लाइट तुम भी लाइट, ओके। तो लेसिया के प्रकरण में अनुमेय मात्र नहीं है और छलम ना घेतब्बम, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान से आपको नहीं बता पाएंगे हम आत्मा, इसलिए छल ग्रहण नहीं करना। प्यारे बच्चों, बहुत धूम धड़ाके से कहना चाहता हूं, छल ग्रहण नहीं करने का मतलब यह है, भले ही लिखा मिल जाए, ये लिखा है तत्वार्थ राजवार्तिक में लिखा है, हम मुझे भी पता है, लेकिन उसका भाव वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, क्योंकि वो अनुमेय मात्र नहीं। आज जब समझ में आया, धवला जी में लिखा है ना, लोग ऐसे आकड़ के कहते हैं इतने बड़े आचार्य वीरसेन स्वामी लिखते हैं, आत्मा रात के काल में रागी हो गया, क्रोधी हो गया, भाई क्या गलत लिखेंगे? भाई भाई गलत नहीं लिख रहे, मुझे पता है गलत नहीं लिख रहे, लेकिन वो किसको समझा रहे थे ये बताओ मां, वो समझा किसको रहे थे? भाई क्रोधी कह सकते हैं, एक न्याय है, एक न्याय, इसलिए न्याय पढ़ना कंपलसरी है, जिनवाणी के अर्थ खोलने के लिए न्याय पढ़ना जरूरी है। लिखा है कर्ता और अर्थ है अकर्ता, क्या कह रहे हो? लिखा है कर्ता
और अर्थ है अकर्ता। भाई इतना फर्क है हमारे में उधर, भाई कर्ता लिखा है तो करते करते सिद्ध करते चले जाते हैं, और हम कह रहे हैं कर्ता नहीं अकर्ता है, लिखा है स्वामी और सिद्ध करना है स्वामित्व नहीं है, उल्टा होगा कि नहीं। तुम लोग कहोगे ये क्या है, साफ साफ लिखा है कि ये देश है हमारा। मैंने जब पहली बार पढ़ा था, आजकल तो लिखा ही नहीं मैंने बहुत दिनों से देखा, पहले हमने देखा था रेलगाड़ी में लिखा रहता था भारतीय रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है। इतना बढ़िया लगता था, हम विदाउट टिकट बैठ गए। क्योंकि भारतीय रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है। अब क्यों, मैंने गलती करी? नहीं करी ना। अरे वो तो टीसी ने पकड़ लिया। अब बताओ यदि हमारी संपत्ति तो फिर क्यों पकड़ रहा है वो? इसका मतलब भले ही हम एक नंबर के नए से, दो नंबर के नए से, उपचार से, उपचर्य सद्भूत अनुपचर्य सद्भूत, भले हम कह दें कि हमारी संपत्ति है तो अभी हमारी नहीं, ये देह है हमारी कहेंगे, लेकिन मानना मत, मानोगे तो मिथ्यात हो जाएगा। एक काय के लिए कहा मैंने छलम न घेतब्बम, छल कहां ग्रहण होता है कि जिनवाणी में लिखा है, लिखा है हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए, लिखा है अनुव्रत धारण करो, यदि तुम मोक्ष जाना चाहते तो श्रमण बनो, जो सब साफ साफ लिखा है तो हम भी कह रहे साफ साफ लिखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कपड़ा उतार लू, इसका मतलब है तीन कसाय चौकड़ी का अभाव करो। श्रमण बनो का मतलब है तीन कसाय चौकड़ी का अभाव करो। तीन कसाय चौकड़ी का अभाव कैसे होगा कि सम्यक दर्शन पूर्वक स्वभाव का अनुभव कर पूर्वक, तब ही होगा, विधि वही है। बेटे दृष्टांत दे रहा हूं, इस समय देश को हार्ट अटैक के डॉक्टरों की जरूरत है, उठो नौजवानों डॉक्टर बनो, तो क्या करोगे तुम, आला लटका लोगे, कैंची ले आओगे, लाओ हार्ट कहाँ है। अरे डॉक्टर बनो का मतलब है 22 साल व्यवस्थित पढ़ा, जरूरत पड़ेगी तो कहेंगे हम देश को इस समय बहुत जरूरत है डॉक्टरों की, और बच्चों आप लोग भर्ती हो जाओ। लेकिन भर्ती होने पर भी पूरे 22 साल पढ़ोगे आप? अब तो समझ में आ गया, हम तो कहेंगे तुम्हें मोक्ष जाना है तो श्रमण बनो, बनो बिल्कुल कह रहे हैं हम, लेकिन बनो का मतलब है नकली नहीं व्यवस्थित। अब तो समझ में आ गया होगा आपको, छलम घेत ना ग्रहण, छल ग्रहण नहीं करना, लिखा तो है, तो ऐसे सब जगह घटा लेना। अपन ने लेशा की परिभाषा पढ़ी थी बराबर, मिथ्यात आवृति प्रमाद कसाय योग, चार से अनुरंजित योगों का परिणाम के नाम लेशा है। अनुरंजित माने इसकी पिक्चर इस पे दिखती है, अनुरंजित का सिंपल अर्थ क्या हुआ, इससे रंगी हुई पिक्चर इधर दिखती है। जैसे मेरे में ईगो होगा तो झलकेगा मेरी वाणी से, मेरी भ्रकुटी से झलकेगा, भ्रकुटी से। आपने देखा है फिल्मों में एक्टिंग सबसे सुपर किसे मानते हैं, सबसे बड़ सुपर एक्टिंग, कि वो बोलेगा भी नहीं हिलेगा भी नहीं लेकिन एक्शन से बता देगा कि उसे गुस्सा आ रहा है। एक्शन से तो वो काहे से बताते हैं क्रोध मान माए लोग को। चलूं आगे चलूं, डॉक्टर साहब के 10 लक्षण धर्म वाली पुस्तक ने यही कमाल किया है। पहला कमाल है, पहला कमाल 10 लक्षण धर्म का, उसके पहले के प्रवचन मैंने सुने हैं, शायद आपने तो नहीं सुने होंगे, आपने सुने हो कि नहीं सुने मुझे नहीं पता, लेकिन पंडित जी आपने हमने सुने डॉक्टर साहब के 10 लक्षण के पहले केवल वचन का ही नाम क्रोध समझाया जाता था, आंख का कोना लाल होने का ही नाम क्रोध समझाया जाता था, और डॉक्टर साहब ने उसका पूरा उल्टा पूरा का पूरा अर्थ पलट के धर दिया। मैंने सुने हैं वो प्रवचन, उत्तम क्षमा के दिन बस क्रोध ही क्रोध की स्टोरी सुनाई जाती थी, क्रोध ही क्रोध के बारे में कहा जाता है क्रोध मत करो और तुम कितना क्रोध करती हो, कि एक घंटा इसी में साफ हो जाता है। हम क्रोध का मतलब नहीं समझे, हम दान का मतलब नहीं समझे, उत्तम त्याग का मतलब नहीं समझे, त्याग के दिन दान ही दान की चर्चा चलती थी। यह छलम ग्रहण, तब छल ग्रहण कर लेना, छल ग्रहण करना का मतलब ये था। अभी 10 लक्षण धर्म के नाम पर 10 भ्रम तोड़े डॉक्टर साहब ने, आप इस एंग से पढ़ के देखना। जिनवाणी की मजबूरी है कि वो लेस्या के माध्यम माने मन वचन काय के माध्यम से समझाती है। मायाचारी का क्या खुलासा किया उत्तम आर्जव का,
मन वचन काया की एक रूपता का नाम आर्जव नहीं है। इससे पहले ये डायलॉग कहीं लिखा हुआ मिले तो बताना मुझे। लिखा है क्या लिखा है? मन वचन काया की एकता का नाम उत्तम आर्जव धर्म है। और डॉक्टर साहब ने उसका उधेड़ दिया MRI। MRI समझ गए? अब समझ में आया आपको? आप कल्पना नहीं कर सकते जो PhD करे ना ये 10 लक्षण धर्म पर। आप पिछले 100 साल का इतिहास उठा के देखो, कम से कम ज्ञात प्रवचनकारों का वो उनका नहीं, आपको तब पता लगेगा कि हम कहाँ थे और कहाँ आए। मैंने 10 लक्षण धर्म पुस्तक कम से कम 25 से 30-40 बार पढ़ी होगी, पढ़ी है मैं। क्यों है ही उसमें कुछ? मैं इतनी देर में क्या बताया? 10 लक्षण के नाम पर भी छल ग्रहण नहीं करना, क्योंकि जिन वाणी में लेस्या की माध्यम से लिखा गया है, लेकिन वो अनुमेय मात्र है। सच्ची बात के जड़ तक जाने के लिए आपको अतीन्द्रिय ज्ञान का सहारा लेना होगा, बराबर। इसके लिए कल एक बात और कही थी मैंने, जितना कहा गया है वो अनंतवा भाग है, उससे अनंत गुना भाग अवक्तव्य है। और उसके लिए सप्तभंग में एक नाम है, स्यात् अवक्तव्य। याद रखिए बात, स्यात् अवक्तव्य। वेरी गुड, ये तो हुई कल की पढ़ाई का खुलासा। आगे चलो, हमने कृष्णलेशिया की पढ़ाई शुरू की थी, बराबर। कृष्णलेशिया का कुछ समझाने के लिए काला कलर कहा है, लेकिन इसका काला कलर से कोई लेने देना नहीं। ओनली सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन होता था ना, जैसे प्रेजेंटेशन सिंबॉलिक होता है ऐसा। यहाँ काले कलर के ना तो परिणाम होते हैं और ना काले कलर की शकल होती है। गोरा आदमी भी कृष्णलेशिया वाला हो सकता है। आगे समझ में आया? काले कलर का आदमी भी शुक्ल लेशिया वाला हो सकता है। हो क्या सकता है? 6 लेशियाएं होती हैं, एक इंद्री से लगाकर 6 लेशिया होती है। एक इंद्री में भी होती है। आप बताओ मैं कैसे बताऊं तुमको कि झाड़ की कृष्णलेशिया कब होगी, झाड़ को नील लेशिया कब होगी? मैं नहीं समझा सकता, केवल ज्ञानगम है, लेकिन होती है, हमें भगवान ने कहा है। आइए हम केवल आपकी अपनी बात करेंगे। मन से हम अपने को असेस कर सकते हैं, मन से हम अपने क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, सम्यक्त का, हास रति अरति शोक भय सबका, सब गुणस्थान वगैरह सब लगाना है, वो ध्यान रखना। हम अपना कैलकुलेट खुद कर सकते हैं मन के द्वारा। स्थूल ध्यान रखना अनुमान मात्र है, और दूसरों के लिए हम मन वचन काय, तो मूल मूल में तो वचन और काय, वचन और। स्वामी जी से बहुत पूछा जाता था कि आपको कैसे पता लगे कि सामने वाला सम्यक दृष्टि है या नहीं। प्रश्न समझ में आया? स्वामी जी से क्या पूछा? कोई जीव सम्यक दृष्टि है कि नहीं हमें कैसे पता लगे? बहुत सिंपल खुलासा करूं कि सोगानी जी के बारे में पूछा जाता था। सोगानी जी के जीवित रहते तक गुरुदेव ने स्वीकार नहीं किया कि वो सम्यक दृष्टि नहीं किया। क्यों? क्योंकि कलकत्ता मंडल की जो रिपोर्ट आती थी वो अपोज में आती थी, तो नहीं बोले, मना कर दिया। लेकिन उनके अवसान के बाद वो किताब छपी, देव दृष्टि प्रकाश है ना, वो प्रकाश किताब में आई, और जब गुरुदेव को पढ़ने में आई तब गुरुदेव ने स्वीकार किया कि मैं जब तीर्थंकर बनूंगा, सिद्धालय में जाऊंगा, दीक्षा लूंगा, उससे पहले जब मैं नमस्कार करूंगा नमः सिद्धेभ्यः, उस नमः सिद्धेभ्यः में सोगानी जी को मेरा प्रणाम जाएगा। ये भरी सभा में कहा। काय के बल पर निर्णय किया बताओ? उनके वचनों के आधार से, उसके उनके वचनों में ध्रुव का जोर था, ज्ञायक का जोर था, ज्ञायक को ऊर्ध्व रखा था। आप कल्पना नहीं कर सकते, मैंने वे सब बाबेला के समय देखे हैं वहां। लेकिन अकेले खड़े रहने पर भी ध्रुव का जोर नहीं छोड़ा, ध्रुव की जोर की चर्चा नहीं छोड़ी उन्होंने, और उसी के बल पर गुरुदेव ने स्वीकार किया कि ये सम्यक दृष्टि। तो वचनों में ध्रुव की ऊर्ता दिखाई दे, ध्रुव का ज्ञायक पने का ऊर्ता दिखाई दे, पर्याय को गौणता दिखाई दे, गुणस्थान की गौणता दिखाई दे, निर्मल पर्याय बिल्कुल ऐसे दिखाई दे जैसे कुछ है ही नहीं। स्वयं की बात हो, बाहर में तो लोग व्यवहार है बहुत सारा, लेकिन अंतर में वजन दिखाई नहीं देता, तो इससे पता लगता है कि वो सम्यक दृष्टि है। टोडरमल जी के बारे में एक पंक्ति पढ़ करके लालू भाई जी ने कहा कि यहां लगता है कि इस लाइन से कि सम्यक दृष्टि है। गुरुदेव ने ना पाड़ दिया कि नहीं, इस लाइन से नहीं लगता है,
इतनी सूक्ष्म पकड़ थी गुरुदेव की, चिट्ठी में ये लाइन लिखी है इससे नहीं पता लगता, ये तो कोई भी लिख देगा। गुरुदेव ने बताया कि इस लाइन से लगता है कि टोडरमल जी सम्यक दृष्टि थे। समझ में आया आपको? कुछ समझ में आया? आपको भविष्य में परीक्षा करनी है, ले से आए दिखाई देगी आपको, मन वचन काय दिखाई देंगे, मुनिराजों के मामले में भी, सम्यक दृष्टियों के बारे में भी, व्रतियों के बारे में भी। हम सबसे मोटी गलती करते हैं, सबसे मोटी गलती, दो बार बोलने का तीसरी बार बोल रहा हूं, सबसे मोटी गलती वह है हम लेस्या को ही मोक्ष मार्ग मान लेते हैं। क्या बोला? क्या बोला? 80 नंबर की गाथा प्रवचन सार जी की इसी बात पर चोट है। 80 नंबर की गाथा में यही चोट है, क्योंकि आपने बचपन से पढ़ा है तीर्थंकर कैसे कहते हैं बेटे, बाल बोधिक में क्या लिखा है, जो हाँ समो शरण आदि विभूति से योगते हैं, तीर्थंकर नाम कर्म के, नाम कर्म का जिनको उदय हुआ है, है? और जो धर्म तीर्थ का उपदेश देती आदि आदि, इसको लेसिया है ये सब। ये बाहर के लक्षण बताए जा रहे हैं, परम औदारिक शरीर है, सफेद खून है, ये क्या है? बचन जिनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, बचन काया अनंत चतुष्टय युक्त विराजमान हुए, अब ये पकड़ में कैसे आए? लेकिन ये भी नहीं बताना, उन्होंने क्या बताया, जो जानदी अरहंतम दब्बत गुणत पच जयते हिम, जो द्रगुण पर्याय से जानते हैं। अब यहां सबको नकार दिया कि शुद्ध पर्याय को भी हटाया। अब सोचो जी, 80 नंबर की गाथा में छल ग्रहण नहीं करना, इसी वहां से हटाया। मैं जितनी गाथाएं बताऊंगा मैं आपको ये सिद्ध करूंगा कि वो लेस्याओं का ही, इसलिए मैं कहता हूं टीका करना हो तो लेस्या का पाठ पढ़ना बहुत कंपलसरी है। फिर से बोलूं, लेस्या से फिल्टर करना पड़ेगा आपको, लेस्याओं के दोष मिटाने के लिए, अनुमान गलत ना हो, इसके लिए है लक्षण लक्षणावास। आप लक्षण लक्षणावास केवल इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जिनवाणी में लक्षणावास की शैली 90% है, 99% कह दो, 90 कह दो, एक ही बात है, बहुमत है। फिर कह रहा हूं जिनवाणी में लक्षणावास की शैली में ग्रंथ लिखे गए हैं, इसके लिए आचार्य कुन कुन स्वामी ने 2000 वर्ष पूर्व एक गाथा लिखी। क्यों लिखते हो आप व्यवहार की भाषा में उपदेश क्यों देते हो? तो मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाने के लिए, लेस्या की वजह से लिखना है, क्योंकि हमारा सारा उपदेश इंद्रिय ज्ञान वाला है, मन वचन काय के माध्यम से। याद रहेगा बेटे, हमारा सारा उपदेश मन वचन काय के माध्यम से किया जा रहा है, इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो फिर क्या कहा, मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं। लेकिन हाँ, बहुत प्यारी लाइन है टीका की, मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाना, लेकिन स्वयं मिलेच्छ नहीं हो जाना, स्वयं मिलेच्छ नहीं हो जाना। नए नए बच्चे, मैं इनको दृष्टांत दे दूं एक छोटा सा, तो डाइल्यूट हो जाओगे आप, ठीक, दे दूं दृष्टांत। जैसे छोटा बच्चा कठिन कठिन शब्द नहीं बोल पाता, छोटा सा बच्चा 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, एक कठिन शब्द नहीं बोल सकता। जैसे मोटरसाइकिल, 1-1.5 साल के बच्चे के लिए मोटरसाइकिल बहुत बड़ा वर्ड है। तो आपने देखा है जब भी आप उसके पास जाते हैं, पीपी में चलोगे, अब उससे आप कहोगे बाजार, मार्केट, तो वो बच्चा नहीं बोल सकता 1-1.5 साल का, तो उससे कहेंगे बज्जी, बज्जी चलो बज्जी। उससे कहो वाटर पियो, पानी पियो, उसे कठिन लगता है, मम मम हप्पा हप्पा खाओ, हप्पा आजा हप्पा खाओ, मतलब इस तरह की भाषा बोलते हैं। बच्चों को बच्चों की भाषा में बोलना, लेकिन बच्चे नहीं बन जाना। बच्चे नहीं बन जाना का मतलब, हप्पा माने क्या होता है, हप्पा हप्पा क्या होता है, हाँ नहीं जानते, मम मम जानते हो, पानी। तो तुम्हारी जब शादी हो जाए तो पत्नी से कहना मम मम पीने तो आप बोल के देखना फिर क्या होगा इसका मतलब है बच्चों को बच्चों की भाषा में बोलना, लेकिन स्वयं बच्चा नहीं बनना। कोई इसका अर्थ करो बेटे, कौन करेगा इसका अर्थ, जो तो मैंने दृष्टांत दिए, यहाँ की भाषा में बोलना, मुझे यहाँ की भाषा में बोलो,
मैं तो बरसात कर देना चाहता हूं इतना कह करके, करता कहना लेकिन करता नहीं अनुभवना, भोगता कहना लेकिन भोगता नहीं अनुभवना। कर्तव्य कहना तुम सबका पालन करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन सिर पर अकर्तत्व रखना, बोझ नहीं ले लेना। कितनी बातें बोलोगे, बोलो कितनी बातें। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, कहना मान मत लेना। कहना तुम कितने इंद्रिय जीव हो, कह देना मानना मत। क्या मानोगे अब बोलो। हाँ नहीं, जीव तो हो, हमने कहा तुम पंचेंद्रिय जीव हो तो क्या मानोगे। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, याद रखना मैं अतिंद्रिय जीव हूं। कहेंगे इंद्रिय जीव, पांच इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय जीव, पंच इंद्रिय जीव, लिखा है वो मोक्ष मार्ग प्रकाशन जो डॉक्टर साहब चला रहे हैं उसमें आया है। गुणस्थान आदि के माध्यम से आत्मा का वर्णन करते हैं, लेकिन गुणस्थान की महिमा मत कर लेना, गुणस्थान की महिमा मत कर लेना। कौन सा गुणस्थान चाहिए आर्द्र तुमको, अभी कौन से में हो, पहले में, ओके कौन सा चाहिए, नहीं चाहिए चौथा, नहीं चाहिए नहीं, फिर सिद्धालय में कैसे जाओगे। क्या गजब है। अब ये देखो बच्चे, हाँ काय का कह रहा था मैं, दृष्टांत बच्चों को बच्चों की भाषा में बोलना, लेकिन बच्चे नहीं बनना। सम्यक दर्शन करना है कि नहीं करना है, कहना परंतु। अब जो नए लोग होंगे वे तो बिल्कुल हड़बड़ा रहे, क्या पढ़ा रहे। एक तरफ कह रहे सम्यक दर्शन करना, एक कहना और करना नहीं, क्यों। अरे सम्यक दर्शन करना ये कही बात जाती है, सम्यक दर्शन किया नहीं जाता है, मात्र ध्रुव की स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन है। आया समझ में, आया कि नहीं आया। खैर अभी मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, तो लेस्या पे आया, लेस्याओं के भेद, लेस्याओं के भेद। होमवर्क आपने किया होगा, मैं सब मान के चलता हूँ, मान माया लोभ का मैंने होमवर्क दिया था। मैं इस समय धीरे धीरे और पढ़ाते जाऊंगा, तो आप मिलान करना, आपस में डिस्कस करना, ओके। लेस्याओं में, अशुभ लेस्याओं में, अशुभ लेस्याओं को मुख्यतः, और ध्यान रखना मुख्यतः, एक बार फिर कह रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब स्थूल अनुमान के विषय है, इसको ज़्यादा आप खींच नहीं सकोगे, क्योंकि हमें केवल थोड़ा सा अनुमान लगवाना है, ठीक। बाद में इसकी व्याख्या करूंगा आपको। मुख्यतया, मुख्यतया मैंने कृष्ण लेस्या वाले जीव, नील लेस्या वाले जीव, कापोत लेस्या वाले जीव मुख्यता से नरक जाते हैं, मुख्यता से, जरूरी नहीं है, मुख्यता मैंने मैक्सिमम जाते हैं, ठीक। लेकिन अभी सब जगह नहीं घटेगी, यदि हम इस लक्षण को लेके चले जाएंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। पहली लेशिया कौन सी बताई थी, कृष्ण, कृष्ण माने ब्लैक, ब्लैक माने समझाने का सिंबॉलिक कलर ओनली, ठीक। कृष्ण लेशिया का लक्षण अपन ने बनाया था, वह लक्षण आपको सर्वत्र लगा सकते हैं। कैसे, केवल परिभाषा नहीं बनाई मैंने, वो लक्षण समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दिया है। कौन सा एग्जाम्पल दिया, जो धर्म करते भी नहीं है और धर्म करने भी नहीं देते, जो धर्म करते भी नहीं है और करने भी नहीं देते, ये अपन दो सबसे खराब जीव ऐसे ही तो होंगे, और कैसे होंगे, सबसे खराब वैरायटी, जो धर्म करते भी नहीं है और, ओके कल पढ़ाई हो गई थी इसकी। कृष्ण लेशिया की बात, दूसरा नंबर आता है नील लेशिया, नील लेशिया माने ब्लू कलर, ब्लू कलर माने सिंबॉलिक, सिंबॉलिक बार बार इसलिए कह रहा हूं कि तुम काला नीला कहीं ढूंढने मत लगने, ओके। नील लेशिया का बड़ा प्यारा लक्षण बनाया है, बड़ा प्यारा, वह ये धर्म करता तो नहीं है लेकिन करने देता है। वैरायटी क्यों अच्छी हो गई इसकी, काला वाला तो करता भी नहीं था और करने भी नहीं देता था, लेकिन ये कैसा सुपरमैन है, थोड़ा सा बेटर, दी बेस्ट नहीं कहेंगे, बेटर, क्या बेटरमेंट है इसका, कि ये करता नहीं धर्म लेकिन करने देता है। आप मेरे पर एक ऑब्जेक्शन कर सकते हो ऋषभ, आप मेरे को कंप्लेन कर सकते हो कि आप ये लाए कहां से, ये लक्षण बनाने का हक आपको किसने दिया, पूछ सकते हो, मैं खुद बता दे रहा हूं। क्या क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, ये लक्षण बनाने का आपको जरूरत कैसे की,
है ना, लक्षण बनाने का आधार तो बताना चाहिए। तो इसकी स्टोरी है एक बहुत सुंदर, बड़ी फेमस, और मैं समझता हूँ लेशिया के चित्र लगभग 90% मंदिरों में, 80% मंदिरों में ये चित्र आपको मिल ही जाता है। झाड़ वाला वो एक पेड़ काट रहा है, देखा कि नहीं देखा कि दिखाऊं इधर वो झाड़ काट रहा है। झाड़ काटने का मतलब ये निकला, ना खा रहा है ना खाने दे रहा है। आम तोड़े जा सकते हैं, खाए जा सकते हैं, जामुन खाई जा सकती है, भूख लग रही तो खा लो ना सीधे, लेकिन नहीं, वो कहता हट जाओ सब लोग, पहले मैं काटूंगा, न तुम खाओ न मैं खाऊं। वो किसी को नहीं चढ़ने दे रहा, काटने के लिए तैयार है। तो ये आदमी कैसा है, न खा रहा है न खाने दे रहा है। दूसरा आदमी कहता है नहीं 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 नहीं, अब नहीं नहीं कहकर रुक गया मैं, थोड़े अच्छे बैठो थोड़ा सुनना, बस इस स्टोरी को थोड़ा सा फैलाऊंगा मैं। स्टोरी तो सुनी है, 6 आदमी भूखे थे, जंगल में गए थे, एक झाड़ मिल गया, बस इतनी सी बात। अब भूख लग रही तो क्या करेंगे बताओ, 6 लोगों ने विचार किया कि आम खाए जाएं, जामुन लिखा है, मैं आम खिला दे रहा हूं तो आप सोच सकते हो कितना खतरनाक आदमी वो जो कह रहे पेड़ काटूंगा। इसके लिए मैं थोड़ा फैलाना चाहता हूं, सुदृष्टि तरंगणी में इसको एक बहुत अच्छा रूपक दिया है, बड़ा प्यारा रूपक, सुनना सब लोग, बहुत मस्त रूपक है, मुझे बहुत पसंद है, मैं उसको यहां समझाना चाह रहा हूं। उसका नाम है धर्म घाती भोग, जरा नाम बोलो, धर्म घाती भोग, नाम बोलो एक बार। वो दूसरे प्रसंग में दिया है लेकिन बहुत प्यारा प्रसंग है, सभी सुनने जैसी बात है। ऐसा भोग जिससे धर्म का घात हो, ऐसा भोग जिससे, अभी आप सोचो इसको 4 आम खाने थे लेकिन ऐसे आम खाना चाहता है जिससे झाड़ी नष्ट हो जाए। धर्मघाती समझ गए, ए विदिशा क्या कर रही थी, पेन रखो मुझे देखो, बोर हो गए, आम नहीं खाना तो जामुन खिला देंगे, चिंता नहीं करो अच्छे से सुनो तो मैं क्या बोल रहा था वो धर्मघाती भोग सुनने जैसी बात है, जो उन्होंने घटित किया वो बहुत प्यारा घटित किया, मैं उसी को बता रहा हूं आपको। आप सुबह सुबह उठ करके चाय पी रहे हैं लेकिन मंदिर नहीं जा रहे हैं, ये धर्मघाती भोग है। सुबह सुबह उठकर आप मोबाइल में स्टेटस चेक कर रहे हो, सुबह सुबह उठकर के आप समाचार पत्र पढ़ रहे हो, लेकिन सबसे पहले आप नवकार मंत्र तक नहीं पढ़ रहे, आप स्वय और पर का विचार तक नहीं कर रहे, आप जिन मंदिर जाके पूजा प्रक्षाल नहीं कर रहे, इसके लिए उन्होंने लिखा धर्मघाती भोग। आज आपको जो अच्छा शरीर मिला है, ये देवसास गुरु मिले, ये कुल मिला है, ये तो पुण्य से मिला था आपको, लेकिन अब आप उस पुण्य का घात कर रहे हो वर्तमान में, भोग के चक्कर में क्या कर रहे हो घात। आपको सब कुछ अच्छा मिला है लेकिन आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, आप बेईमानी कर रहे हो, आदि आदि लगा लेना, आप ये धर्मघात कर रहे हो। धर्मघात का क्या नुकसान होगा कि आप ये जब झाड़ काट दोगे तो आइंदा कभी इसमें फल नहीं लगेंगे। उसमें एग्जाम्पल दिया, एक आदमी का बहुत बड़ा बगीचा था और सब तरह के फल थे उसमें, बड़ा प्रसन्न रहता था, साल भर मेहनत करता था और लाखों रुपए की इनकम थी साल भर, मेहनत भी करना पड़ती थी साल भर। एक व्यक्ति आया, तुम बेकार में इतनी मेहनत करते हो, साल भर मेहनत करते हो, एक काम करो, ये पूरे बाग की लकड़ियां मुझे दे दो और 1 करोड़ ले लो, 1 करोड़ ले लो भाई, सारा बाग की लकड़ी मुझे दे दो। उसने कहा जी 1 करोड़ भी नहीं बैठे ठाली, मुझे बाग में भी नहीं जाए। इसके सेल चले गए लगता है ना, इसके सेल चला गया, आवाज जा रही है, हैं? नहीं नहीं आ रही, कंबड़ हो रही बीच में, हेलो हेलो समझ में आ रहा है कुछ, क्यों बिना मेहनत के 1 करोड़ रुपए मिले तो क्या करना चाहिए बोलो। उसमें भी सेल डाल नहीं डाले, आ जाए आ जाए कर लो कोई बात नहीं, मुझे चेंज दिखाई दे रहा इसलिए कह रहा हूं। हेलो बहुत बढ़िया, आ जाओ बेटे अब आवाज सही आई ना, उसमें थोड़ी मुझे परेशानी आ रही थी। सोचो 1 करोड़ रुपए मिल रहा है, बगीचे में भी नहीं जाना है आपको, साल भर मस्त रहो। उसने 1 करोड़ रुपए ले लिया मस्ती से, वो पूरे वृक्ष काट करके ले गया
अगली बार जब उसे नींबू की याद आई, वो अपने खेत में गया, आम की याद आई, आम के सीजन में खेत में गया, पूरा बाग उजड़ा पड़ा हुआ था। ये दृष्टांत इतना मार्मिक दिया, मुझे इतना प्यारा लगता है ये दृष्टांत। ऐसे आपको भाई साहब, ये जो बीतरागी देव गुरु धर्म का मिलना, क्षोपसम का मिलना, मन का साय का मिलना, ये हमारा जबरदस्त बाग फला है। पांचों इंद्रियों की सफल, क्या कहना, स्वस्थता, ये महाभाग्य है हमें। आज हमको लेस्या ही पढ़ाई जाती थी, रत्नत्रय के नाम पर लेस्या पढ़ाई जाती थी, मोक्ष मार्ग के नाम पर लेस्या पढ़ाई जाती थी, सारे के सारे जगह लेस्या ही लेस्या छाई थी। आज हमारा महाभाग्य कि हम फिल्टर करके लेस्या को आउट करते हैं और अतीन्द्रिय ज्ञान से देखते हैं कि क्रोध क्या है, मान क्या है, माया क्या है, लोभ क्या है, गुणस्थान क्या है, आनंद क्या है। आनंद के बारे में जितनी भ्रांति है वो सब लेस्य वाली है। मैं आनंद का जितना वर्णन सुनते हो आप रोमांचित हो जाता है। रोमांच कैसे हो जाता है बता दे जरा। अब जितने लोग हैं सम्यक दर्शन के नाम पर रोम देखा, रोम तो खड़ो ही नहीं भाव अरे नहीं होता रोमांच, लिखा है उसका मतलब समझना पड़ेगा आपको। फिर एक भजन चल रहा है ना, भजन, रस नीरस हो जाए ततक क्षण, और ऐसे ऐसा स्वय संवेदन का रस आता है, अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद झड़ता है। अब ये सब शब्दों बड़े परेशान करती सारी, मैं अभी ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ूंगा। कोई कहता है मीठा मीठा आस्वाद आता है, मैंने बहुत चेक करके देखा, मुझे तो कहीं कुछ नहीं मिला, बाद में लेस से निकालनी पड़ी उसमें से छान करके, तो इतना बढ़िया सब कुछ मिला। और इस समय में हम स्वाध्याय ना करें, आपकी भाषा में कहें तो आप स्टडी ना करें, आप 5 साल में अपने खेत को जला देंगे, नष्ट कर देंगे। इसके बाद आप नौकरी के लिए तरसेंगे, टैलेंट के लिए तरसेंगे, 4 विद्वानों में बैठने के लिए तरसेंगे आप। इसका मतलब पूरा जीवन अब आपको फल नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए थे। बाघ काटने का मतलब इतना बढ़िया लिखा उसमें, ठीक, धर्म घाती भोग करने लायक नहीं है। जैसे मार्केट में अक्षय तृतीया की दुकान चल रही हो, उसे वो क्रिकेट का मैच देखे, सोने चांदी की दुकान पर भीड़ पड़ रही है, ओ उसे ग्राहक से कोई मतलब नहीं, मैच देख रहा है वो तो, 2020 है, भारत और पाकिस्तान का फाइनल, मालूम पड़ा साल भर की दुकानदारी समाप्त। एक दृष्टांत देने के लिए, खूब सोचने, बहुत प्यारा है। कृष्ण लेस्या वाला फल खाता भी नहीं और खाने भी नहीं देता, ये लक्षण मैंने वहां से निकाला। अब ये कहता है कि नहीं खा तो लो, लेकिन रुको, मैं एक डाल काटता हूं, एक ब्रांच काटता है, बराबर समझ में आ रहा है कुछ? पहला वाला तो झाड़ मूल से ही काट रहा था, ये थोड़ा एक ब्रांच काट रहा है, तीसरा वाला सब ब्रांच काटेगा। हमने इसकी कहानी के आधार से लक्षण निकाली। चलो नील लेस्या की चर्चा कर ली जाए थोड़ी सी, बोर तो नहीं हो रहे हो, नींद आ रही किसी को? पक्का, वेरी गुड। अब जरा नील लेस्या का लक्षण मैंने क्या बताया था, जो धर्म करता तो नहीं है लेकिन करने देता है, याद रखोगे इसको? एक आध एग्जाम्पल दे दूं जल्दी समझाने के लिए, सरल करने के लिए। मैं आपको 50 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, एक ही एग्जाम्पल से मेरा काम चल जाएगा। लड़की के लिए लड़का देखने गए, वार्तालाप प्रारंभ हुआ, लड़का ने सबसे पहले पूछा, लड़की मंदिर तो नहीं जाती? देखो साहब, मेरा धर्म कर्म में कोई विश्वास नहीं है, मैं मंदिर जाता भी नहीं हूं, मैं आलू खाता भी हूं और खाना भी पड़ेंगे, बनाना पड़ेगा, हमारे यहां तो आलू प्याज बिल्कुल। तो इस तरह की जो टर्म एंड कंडीशंस रखने वाले लड़के होंगे, कौन सी लेस्य वाले होंगे, समझ गए होंगे मैंने पाप करूंगा भी है ऐसे, मैं क्लब में भी जाऊंगा और तुझे भी जाना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा, मेरी कंपनी देनी पड़ेगी, और मेरे एक इशारे पर दोस्तों के सामने नाचना पड़ेगा। वो आपने देखा ना कृष्ण लेस्या का, वो महिला संगीत में लड़का लड़की दूल्हा दुल्हन दो ही नाचते हैं, ये है क्या, हम भी नाचेंगे? और आप जल्दी समझ गए होंगे। फिर मम्मी पापा ने समझाए, ढोर बेवकूफ, तू रियल लाइफ देख रहा है, घर ऐसे नहीं चलता, तेरे मम्मी पापा हम यदि ऐसे कर रहे होते तो तेरा क्या होता पता तुझे, रियल लाइफ अलग होती है।
बहुत समझाया उसको। तो फिर उसने थोड़ा सा ब्लू लेस्या में आ गया, वो नील लेस्या में आ गया। उसने कहा देखो तुम्हें मंदिर जाना है तो चली जाना, लेकिन मुझसे मत कहना, तुम्हें आलू नहीं खाना मत खाना, मैं जिद नहीं करूंगा, लेकिन मैं तो खाऊंगा। दो डायलॉग बोले इसे सब जगह लगा लेना जहां जहां, मैं ऐसे मत बोलना प्रवचन सुनने की, तुम्हें जाना है चले जाना। आप शहरों में ऐसे लोग देख सकते हो, मिस्टर आते हैं स्मारक के बाहर खड़े रहते हैं भाई, एक घंटा विधान प्रवचन जो सुनना सुन लेते हैं, और वे वहाँ इंतजार करते रहते हैं बिल्कुल पत्नी भक्त के सरे आज्ञाकारी, और फिर जैसे टाइम होता तो आगे मोटरसाइकिल खड़े हो जाते हैं। ऐसे होते हैं, बे ही नहीं होते जो मैं कह रहा हूँ। ऐसे लोग भी नील लेस्या के शिकार हो सकते हैं जो मंदिर के ट्रस्टी हों। आप विधान करो, हम बाहर सारी व्यवस्था देखेंगे। आप प्रवचन करो, सुनो, खूब आनंद से लाभ लो, पाठशाला का लाभ लो, शिविर लगाओ, हम प्रवचन में नहीं बैठेंगे, लेकिन हम रसोई देख लेंगे तुम्हारी, हम तुम्हारा जो जो काम रहते ना एक ऊपर ऊपर के काम हम वो देख लेंगे। कितने लोग ऐसे होते हैं पंच कल्याणक वगैरह में जो एक प्रवचन नहीं सुनते, लेकिन वो मीडिया में काम करते रहेंगे, विज्ञापन में काम करते रहेंगे, उनसे सारे काम करवा लो लेकिन प्रवचन नहीं सुनाओ। ये केवल कह रहा हूँ, ध्यान रखना, लड़ाई झगड़ा नहीं मचाना। मुझे इस बात का बहुत डर लगता है, मुझे कहना पड़ता है, मान के चलो पति देवता मंदिर आते नहीं हैं और आने भी नहीं देते, और पत्नी गलती से प्रवचन सुन गई, तो जाते से ही बोलेगी तुम कृष्ण लेस्या वाले हो, झगड़ा मच जाएगा। और सासू से बोल दिया तुम नील लेस्या वाली हो, मैं तो मंदिर जाने देती हूँ लेकिन तुम नहीं जाती, तो ये झगड़ा नहीं मचाना, क्योंकि क्योंकि छों लेस्या एक ही आदमी में पाई जाती है। ये मैंने पहले कह दिया ताकि ये विसंवाद ना हो, एक ही आदमी में छों लेस्याएं अंतर्मुहूर्त में बदलती रहती हैं। याद रखोगे ये बात, अपने परिणाम भी हो जाते हैं। मैं तो नील लेस्या में आपको घटा के दिखा दूंगा, अभी कोई दिक्कत थोड़ी, एग्जाम्पल तो इसलिए देते हैं कि हम आपको जल्दी से समझा दें। आपके अंदर भी नील लेस्या होगी तो अपन चेक करेंगे। कई बार हम पढ़ते नहीं लेकिन पढ़ने देती है, कृष्ण लेस्या वाला क्या करता है, रूम में इतना ऊधम मचाएगा ना पढ़ेगा ना पढ़ने देगा, लाइट ऑफ ऑन लाइट ऑन ऑफ, कुछ तो भी हरकत दे सकता है, कुछ नहीं तो जोर जोर से ताली बजा रहे हंस रहे, कुछ भी कर सकता है। ये कृष्ण लेस्या वाला है, वो कितना प्यारा होगा, भले ही खुद नहीं पढ़ता लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सुधार है। हम कह रहे मंदिर में पाठशाला लगाने की अनुमति मिल जाए तो बहुत बड़ी लेस्या है नील लेस्या। अब तो समझ में आया कुछ क्या कह रही, यदि कोई कह दे कि ठीक है हम नहीं सुनेंगे हमारे बच्चे भी नहीं सुनेंगे, लेकिन आप शिविर लगा सकते हो, आप समझते हो हमें कितना बड़ा सपोर्ट कर दिया उन्होंने। तो नील लेस्या में मतलब समझ में आ गया आपको, नील लेस्या वाला करता नहीं है लेकिन करने देता है। वेरी गुड, दो क्लियर हो गई। अभी अपन तीसरी लेस्या को भी, मैं तो छों की कोशिश कर रहा हूँ, छह पढ़ा दूँ लेकिन मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो अब कापोत लेस्या पढ़ लीजिए, बाकी तीन कल पढ़ाएंगे। ओके, कापोत लेस्या, नाम बोलो जरा, कापोत का कलर ग्रे, मैं तो अंग्रेजी में समझते नहीं ग्रे क्या होता, मुझे तो ग्रे माने ग्रे ही लगता है बिल्कुल, लेकिन कापोत माने कबूतर वाला कलर है ना, ठीक याद रह जाएगा आपको। ये बहुत प्यारी है, इसकी परिभाषा सुनने के लिए जरा ऐसे बैठ जाओ सब लोग, ताकि याद एक ही बार में हो जाए एक ही बार में याद करानी वो कठिन है, थोड़ी बड़ी है। ये धर्म करते भी हैं, करने भी देते हैं, लेकिन धर्म का स्वरूप नहीं समझते। याद करने में आधा पार्ट तो सरल है, करते भी हैं करने भी देते हैं, लेकिन स्वरूप नहीं समझते। अब ये पॉइंट समझाने में मुझे स्वरूप नहीं समझते, इस पे वर्णन करूंगा मैं, फिर से बोलूंगा, धर्म करते भी हैं और करने भी देती हैं और स्वरूप नहीं समझते धर्म का। मुझे सबसे ज्यादा कष्ट कृष्ण लेस्या वालों से नहीं है, मुझे नील लेस्या वालों से भी कष्ट नहीं है क्योंकि वे दोनों तो आते ही नहीं है। मुझे बाबर की तकलीफ थोड़ी है, मुझे औरंगजेब की तकलीफ थोड़ी है, अकबर की तकलीफ थोड़ी है, वो थोड़ी आया है। आज की तारीख में कौन हमें हैरान कर रहा है पता सकते हो,
कोई हैरान नहीं कर रहा, कोई हैरान नहीं कर रहा। बोलो कोई अपनी बड़ी अच्छी भाषा में उत्तर बोलो संयम। हमें जो स्वरूप का अज्ञान है, ठोके कह रहा हूं क्या बोल रहा हूं, हमें जो स्वरूप का अज्ञान है वो ही सबसे खतरनाक है। कल्पना करो मैं ब्रह्मचारी हूं, मुझे ब्रह्मचारी का स्वरूप नहीं मालूम, मैं केवल इसी को स्वरूप मान लूं, कपड़ा बदलने को, सिर मुंडाने को, और थाली धोकर पीने को, चटाई पे सोने को, और बहुत बड़ा ब्रह्मचारी मानूं, इससे बड़ी गलती और क्या हो सकती है। जब दूसरा ब्रह्मचारी लेगा तो मैं कहूं बेटा चार बात की ट्रेनिंग ले लो, ब्रह्मचारी थाई हो गया तुम्हारा, वो ब्रह्म का तो पता ही नहीं रहा। पंडित साहब की भाषा में बोलूं, जैन धर्म की अच्छी भाषा क्या बोल रही थी, बढ़िया नहीं नहीं अभी वो मत बोलो, मैं ही बताता हूँ एक अच्छा शब्द, उन्हीं का भाषा बहुत अच्छी है, मैं उतनी अच्छी भाषा नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उनकी भाषा बताने की, बहुत अच्छी भाषा जवान पे नहीं आ रही, बोलने की कोशिश करता हूँ। जैन धर्म का ब्रह्मचर्य का अनादर ब्रह्मचारियों से होगा, विद्वानों की गरिमा विद्वानों से गिरेगी, मुनियों की गरिमा मुनियों से गिरेगी, हमारे तुम्हारे से नहीं गिरेगी। क्यों? क्योंकि हम स्वरूप नहीं समझते। मैं तीन नाम ले दी, गरिमा थोड़ा खोल के कहता हूं, अभी सरल एग्जांपल दूंगा सरल, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। अजय नौसे जैन धर्म के पानी छानने का प्रकरण नहीं बिगड़ेगा, क्यों बोलते छान ही नहीं रहे, लेकिन मैं तो पानी छान रहा हूं, शादी विवाह में कौन कपड़ा लेकर आए इतना बड़ा बड़ा मीटर, अभी तो वो भी गायब हो गया होगा, लेकिन पुराने जमाने में ग्रैंड फादर की धोती बचती थी ना, पहनी पहनाई, जिसको कौन सी धोती कहते थे, सबसे अच्छी कहलाती थी, हैं परम सुख, नाम ही परम सुख है उसका, परम सुख माने बिल्कुल बारीक कॉटन, और उसी को टंकियों पर डालकर छान लिए पानी, वे तो छान ही नहीं रहे, तुम तो छान रहे थे लेकिन परम सुख। जैन मंदिर चलो कहीं कहीं पानी नहीं छने, लेकिन जैन मंदिर में तो छनना चाहिए, वो तो अहिंसा का आयतन था, महावीर भगवान अंदर विराजमान है और बाहर पानी छना, लेकिन वो एक लगी हुई थैली, जब तक उसमें फंगस ना हो जाए पूरी पूरी, लीलोत्री नहीं हो जाए, काई ना पड़ जाए, वो बिल्कुल कोई उंगली लगाए वो फट जाए, वो गल के कोड़ की तरह गिर पड़े, तब तक लगी है वो 6 महीने तक 8 महीने तक 10 महीने तक। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जैन मंदिर के बाहर कापोतले से माने तुम्हें पानी छानने का स्वरूप ही नहीं मालूम, थैली से पानी छानना, मतलब आजकल घरों में बास वैसे में थैली लग गई, जिनके घर में नहीं लगी वे तो क्रशलेस वाली, लेकिन जिनके यहां लग गई वे कापोतलेस वाली, जिनके यहां लगी नहीं है और लगाते नहीं, लगाने नहीं देते, हमने लगाई। मैं जरा थोड़ी देर के लिए कहता हूं आप सरोवर के किनारे जाओ, वो कोई जाल में मछलियां पकड़े, वो मछलियां ऐसे ऐसे पैक कर दी जाए तो आपको कैसा लगेगा, जाल में पकड़ी हुई मछली कैसी लगेंगी? आपको मैं पिक्चर दिखा सकता हूँ, ऑनलाइन जाओगे तो ऑनलाइन देख सकते हो, पानी की एक बूंद में कितने जीव हैं, इसकी सैकड़ों पिक्चर हैं आज ऑनलाइन, ले हमने डाल दिया और बच्चे आए खेलते खेलते पुछ थैली को दबा और दिया, मर भी गए, जैसे वो किस वो मछली पकड़ रहा था ना, ये ऐसा भयंकर पाप हो गया। मैं इसके लिए ऐसे कहता हूं जैन धर्म में पानी छान करके नहीं पिया जाता, पानी के जीवों की रक्षा करने के अभिप्राय से छान कर पानी पिया जाता है। बहुत लंबी भाषा बोली मैंने, कोई समझ में आई भाषा क्या बोली मैंने? जैन धर्म में पानी के जीवों की रक्षा करने के अभिप्राय से छान कर, रक्षा करके नहीं कह रहा हूं, ये तो तुम लॉजिक से कह दो कि रक्षा नहीं कर पाएंगे हम, बिल्कुल साइंस कह रहा है आप पानी को कितने मोटे छन्ने से छान लो आप जीवों को नहीं बचा सकते, ये बिल्कुल पक्की बात है, वो मरेंगे ही, बचाने के अभिप्राय से, जीवों की रक्षा करने के अभिप्राय से छान करके पीते हैं, उन जीवों की रक्षा करने का मूल अभिप्राय होता है हमारा, अभिप्राय का फल हमें मिलता है,
मरते हैं या नहीं मरते हैं, उनकी आयु कर्म है, लेकिन हम बचाने का अभिप्राय रखते हैं। अब एक बात कहिए, प्रवचन कितना बड़ा हो सकता है सोचो, और फिर भी इसमें आपको हम लेस्या से अनुमान लगवा रहे, परम रक्षा सच्ची अहिंसा तो कुछ और है। समझ में आया? एक दो बातें कह दूं अब बम तुम्हारे ऊपर गिरने हैं सब, क्या अपन ही है कापोत लेस्या वाले, वे जो आए नहीं उनकी तो बातें ही नहीं कर रहे। बोलूं कि नहीं बोलूं? बोलो। सेल्फ करेक्शन करोगे थोड़ा बहुत, अभिप्राय का पहले कर लेना, फिर जितना हो जाए उतना बढ़िया है, अभिप्राय का तो कम लो। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम, समझ गए कुछ? समझ गए होगे तो, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो, पक्का बेटे? मैं अपनी पीड़ा बता रहा हूँ, तुम लोगों को तो मजा आता होगा, लेकिन मुझे अपनी पीड़ा बता रहा हूँ। समय शिखर जी के पर्वत पर मैं वंदना करने 2.5 साल में एक बार गया हूं, एक बार, ओनली एक बार, बाकी रोज जाता था मैं जंगलों में, तो रोज जाता था। पूरे पर्वत पर मोबाइल पे गीत बजना, सेल्फी लेना, जगह जगह एक भी टोंक पर आप बैठने नहीं दोगे, जगह जगह कोलाहल, जगह जगह बिस्किट खा रहे हैं, जगह जगह वो क्या क्या पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक बिक रहा है, लोग कह रहे हैं कि हमारा समय शिखर जी पर पर्यटक स्थल बना दिया, पिकनिक स्थल बना दिया, पिकनिक स्पॉट बना दिया गवर्नमेंट ने झारखंड की। मैं कह रहा हूं बनाया किसने? वहां पार्ले जी खरीदता कौन है? वो चिप्स की पैकेट खरीदता कौन है? वहां चने खरीद कौन रहा है पारसनाथ की टोंक के नीचे? वो अनछना पानी, वो मटका साल भर 10 साल जितना जब तक चलता रहता है ये वो मटका, वो पानी छनता नहीं है। लेटरिंग का डब्बा है ना, वो लेटरिंग का डब्बा ना, प्लास्टिक का मग्गा जिसमें वो शिकंजी बनाता है। अब लेटरिंग जाना तो क्या करेगा, वो उसी से भर के चला जाता है। लेटरिंग के हाथ नहीं धोते झारखंड में, मैं सारे झारखंडियों को नहीं कह रहा हूं। मैं उन लोगों के लिए तो कह ही सकता हूँ जो ढंग से हाथ तक नहीं धोते। 3 बार हाथ धोना चाहिए, मुझे तो आप में से कई लोगों को समाचार मिलते हैं एक ही बार हाथ धो ले थे, 3 बार हाथ धोने चाहिए। अरे क्या क्या हिसाब है बताओ बताओ। पिकनिक स्पॉट बनाना, ये तीर्थ यात्रा और पिकनिक में अंतर है कि नहीं? अब सोचो आप, कापोत लेस्या का प्रवचन मेरा कभी खत्म नहीं होगा। यदि आप मेरे से पूछोगे तो छठा अध्याय 7वां अध्याय और 8वां अध्याय कापोत लेस्या को दूर करने की चेष्टा है। क्या कहा मैंने? 6वां 7वां 8वां अध्याय कापोत लेस्या को दूर करने का अधिकार है। ऐसा कहकर मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, आप भी चाहो तो टोडर मलजी की तरह अनुशीलन लिख सकते हो। जितनी चीजें उन्होंने फिल्टर की, आप भी फिल्टर करो ना। शास्त्र बांचता है तो बांच लेता है मानो किसी अन्य की ही कथा हो, पढ़ता तो ऐसे पढ़ लेता मानो किसी और की ही बात है। एक एक, एक कापोत लेस्या ही तो है। आचरण करता है तो परिणाम की खबर नहीं, परिणाम भी सुधारता है तो अभिप्राय की खबर नहीं, है क्या ये? उपवास करता है तो रोगियों की भांति काल गवाता है, जुआ आदि खेलने लग जाता है, समय पास करता है, ये वर्णन काहे के हैं पूरे पूरे? ये कापोत लेस्या के वर्णन है। अब तो समझ गए होगे, थोड़ा कहा बहुत समझोगे? बहुत नहीं, पूरा समझना पड़ेगा। तो कापोत लेस्या की परिभाषा बोल दो जल्दी से। जो धर्म करता भी है, करने भी देता है, बहुत सारी बातें हैं इसमें तो। पूजा करता भी है, करने भी देता है, और पूजा का स्वरूप नहीं समझता। अभिषेक करता भी है, करवा भी देता है, लेकिन बहुत खतरनाक है, पता नहीं 90% 50% 40%। मैंने अक्सर देखा लोग हाथ जोड़ते ना भगवान के सामने अभिषेक के पहले, तो ढोक देते समय ऐसे उठते हैं, समझ गए? ऐसे उठते हैं, ढोक ऐसे हाथ जमीन पे लगाया और सिर रख लिया इसके ऊपर जमीन पे टिकते समय, और फिर ऐसे करके उठे
और फिर भगवान का चेहरा। फिर समझ में आया मैंने क्या कहा? आपने अपनी चरण रज महावीर भगवान के मस्तक पर चढ़ा दी, खबर ही नहीं पड़ी कि हाथ धोना चाहिए थे। कब हाथ धोना, कैसे हाथ धोना, एक बार प्रैक्टिकल पता हो तो। मैं बेटे आप लोगों से एक बात बोलूंगा, एक बार ही सही लेकिन आपको विधि आनी चाहिए एक बार, क्योंकि आप जब समाज में प्रवचन करने जाएंगे और आप गलत करेंगे तो सबसे पहले आपके ऊपर संदेह हो जाएगा। एक बार प्रक्षालन की विधि आपको जरूर पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। और भी लगाना, मंगलाचरण मेरी तरह मत करना, आपको सिखाया जाता है ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यानति योगिना कामदम मोक्षदम चैव, ये बिल्कुल ऐसे करो उनको तैयार। ध्यान रखना बेटी, डॉक्टर साहब को मत सोचो, डॉक्टर साहब तो ये बोलते हैं कि मैं इतना बड़ा बोल नहीं पाता, बोलने में अंदर में तो एकाग्रता रखते हैं वो, तो इसलिए वो छोटा बोलते थे। लेकिन अपने को तो पूरी परिणति अपनानी चाहिए। थोड़ा कहा बहुत समझना, ये बात कापोदलेसिया का प्रवचन बहुत बड़ा हो सकता है और होगा ही, घर घर में है, क्यों होगा कोई बताएगा क्यों? क्योंकि हम, हाँ बोलो, स्वरूप नहीं समझते। और जिन वाणी में प्रवचन करने का मूल उद्देश्य है स्वरूप समझना, प्रवचन करने का मूल उद्देश्य आज जब स्वरूप समझना, इतनी चर्चा वार्ता और कक्षाएं क्यों चल रही हैं, स्वरूप समझना। आपको 5 साल 45 ग्रंथ क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? बहुत बढ़िया, ओम नमः शिवाय।